28 अक्टूबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस बार का चंद्र ग्रहण बेहद खास है क्योंकि इस साल शरद पूर्णिमा के दिन ये ग्रहण लग रहा है। ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। धार्मिक दृष्टिकोण से भी ग्रहण को बेहद ही महत्वपूर्ण और अशुभ घटना माना गया है, इसीलिए इस दौरान कई कामों की मनाही होती है। क्योंकि इस बार ये ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लग रहा है, शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा की जाती है और ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ग्रहण के चलते पूजा करनी चाहिए या नहीं, अगर हाँ तो इसका शुभ मुहूर्त क्या है। आश्विन पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा होती है। इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर के दिन है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के संग शरद पूर्णिमा की रात महारास रचाया था। लोग शरद पूर्णिमा का व्रत रखकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा होती है। धन और वैभव की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी से जुड़े ज्योतिष उपाय किए जाते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण के सूतक काल के कारण रात में चंद्रमा और लक्ष्मी पूजा कैसे करें, आइए जानते हैं इसे लेकर ज्योतिषों का क्या कहना है। हिंदू पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 पर शुरू होगी और यह 29 अक्टूबर को सुबह 1:53 तक रहेगी। शरद पूर्णिमा को शाम 5:20 पर चंद्रोदय होगा। इस साल शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण देर रात 1:06 पर लगेगा और चंद्र ग्रहण का समापन 29 अक्टूबर को देर रात 2:22 पर होगा। इसका सूतक काल 28 अक्टूबर को दोपहर 2:52 से लग जाएगा। सूतक काल में पूजा और ज्योतिष उपाय नहीं किए जाते हैं। ज्योतिषों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 2:52 से लग रहा है। ऐसे में रात के समय ना तो लक्ष्मी पूजा होगी ना ही चंद्रमा को अर्घ दे पाएंगे। इस स्थिति में ज्योतिषों का कहना है कि आप शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा और चंद्रमा पूजन या तो सूतक काल से पहले करें या फिर चंद्र ग्रहण के खत्म होने के बाद करें। हालांकि ग्रहण के बाद चंद्रमा और लक्ष्मी पूजा करना सही रहेगा। रात में आपको शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा पर रात के समय में ही माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और पूछती है कि कौन जा रहा है, इसलिए इसे कोजारी पूर्णिमा कहते हैं। इस बार आप शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा चंद्र ग्रहण के बाद करें, उस समय ही शरद पूर्णिमा के ज्योतिष उपाय भी कर ले। इसके अलावा इस साल शरद पूर्णिमा पर 5 शुभ योग भी बन रहे हैं। ये योग है सौभाग्य योग, सिद्धि योग, बुद्धादित्य योग, गजकेसरी योग और शश योग।